ये वाला ग्लो अगर आपको चाहिए अपने चेहरे पर, तो ये रेमेडी आपको एक बार ट्राई करनी पड़ेगी। आज मैं बेसन से बनी एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप पुराने से पुराने दाग धब्बे झाइयों को रिमूव कर सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल सभी के घरों में किया जाता है। पुराने जमाने से लोग हल्दी और बेसन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। पहली बार में ही ऐसा गजब का रिजल्ट आने वाला है कि सारी रेमेडी आज तक की जितनी भी DIY आपने ट्राई किया है वो सब भूल जाने वाले हो। इतना अच्छा निखार आपके चेहरे पे आने वाला है। बेसन अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये सोच के रेमेडी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे अप्लाई करोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो देखते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक बाउल, उसमें हमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल एक चम्मच के लगभग। कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सूट नहीं करता, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप बादाम ऑयल, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल, प्लांट है तो यहाँ पे आपको प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। 1 पिंच हमें ऐड करनी है यहाँ पे हल्दी, ये व्हाइट टर्मरिक है, इसे कस्तूरी हल्दी भी बोलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है बेसन, 2 चम्मच के लगभग हमें यहाँ पे बेसन लेना है। देखिए, अगर आपका चेहरा पहले से ही ड्राई है और आपने बेसन में रोज वाटर सिप और सिप ऐड कर लिया और उसको मिक्स किया, चेहरे पे अप्लाई कर लिया, तो इससे आपका चेहरा ड्राई ही होगा। यहाँ पे जो हमने एलोवेरा जेल लिया है, कोकोनट ऑयल लिया है और यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल करेंगे। जब आप बेसन को दही में मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे या फुल क्रीमी जो दूध होता है कच्चा उसमें मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। बेसन हमारे कलर को फेयर करता है, हमारी स्किन को टाइट बनाता है, ब्राइट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों को भी कोई कोई अप्लाई करते हैं कलर निखारने के लिए उनका। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें ऐड करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। दही में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। एक फाइन सा पेस्ट हमें बना लेना है। देखिए, यहाँ पे हमारी रेमेडी रेडी है और अब हम देखते हैं कि इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। कोई भी रेमेडी अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। वैसे तो बेसन सबके किचन में रहता है, अगर नहीं है तो आपको ये रेमेडी स्किप नहीं करना है। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा ले सकते हैं। गेहूं का आटा तो सबके किचन में रहता है क्योंकि वो डेली यूज किया जाता है, हम उसकी रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और हमें मसाज करना है। पहले 3 से 4 मिनट हम इससे मसाज करेंगे तो ये हमारे जो चेहरे पे डस्ट है, गंदगी है, और अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की समस्या है तो पहले इस तरह से आपको मसाज करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको स्टीम लेना है। स्टीमर है तो स्टीमर से लीजिए, नहीं तो एक बाउल में आपको गर्म पानी लेना है, उसमें टॉवल डिप करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जितनी आपकी स्किन सह सके, हल्का सा गुनगुना। उसके बाद आपको टॉवल को 2 से 3 मिनट फेस पे रखना है। इस तरह से 1-2 बार आपको करना है तो जो हमारे फेस पे पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स उसके बाद आसानी से हमारे चेहरे से रिमूव हो जाते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से ही मसाज करना है आपको 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसी रेमेडी को हमें फेस पैक की तरह पूरे फेस पे अप्लाई करना है, एक मीडियम सा लेयर लगा लेना है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। नेचुरल तरीके से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं बिना पार्लर गए, बिना पैसे खर्च किए, तो ये रेमेडी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मसाज कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हमें इसे पूरे फेस पे देखिए इस तरह से एक मीडियम सा लेयर लगा लेना है, ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से, जैसे आपको होता है, जो इसे इजी लगता है वैसे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा तामझाम करने बैठते हैं ना तो ये रेमेडी हम यहीं पर स्किप कर देते हैं। अगर मुझे ब्रश नहीं मिल रहा है तो मैं हाथों की मदद से अप्लाई कर ले रही हूँ, या 5-6 इंग्रेडिएंट यहाँ पे डले हैं कोई रेमेडी में, 1-2 नहीं भी है तो भी मैं रेमेडी को बना के अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो हमें मिलता ही है। जो घर की बनी हुई रेमेडी रहती है मिलता ही है, 1-2 अगर नहीं भी है, कभी कभी क्या होता है 1 भी इंग्रेडिएंट नहीं होता तो हम रेमेडी को वहीं पे स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर 1 नहीं भी है तो भी आप रेमेडी को अप्लाई कीजिए, रिजल्ट तो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी बची थी रेमेडी तो मैं हैंड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो हम बेसन को सिर्फ दही में भी मिक्स करके लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, लेकिन 2-3 इंग्रेडिएंट हम इसमें और ऐड करते हैं जिससे कि इसका रिजल्ट हमें और अच्छा मिले और हर चीज़ पे वर्क करे। जैसे अगर आपके फेस पे पिंपल्स है या फिर डार्क स्पॉट है, दाग धब्बे है, आपको ग्लो चाहिए, अपनी स्किन को टाइट बनाना है, ब्राइट बनाना है, जब 3-4 इंग्रेडिएंट हम एक साथ मिक्स करते हैं तो रेमेडी हमारी और भी पावरफुल बन जाती है। तो सब मिला के रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।
और जब भी कोई रेमेडी आप बनाते हैं थोड़ी सी बच जाती तो उसे फेंकिए मत। आप उसे फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, हैंड पे अप्लाई कर सकते हैं, और महीने में एक बार भी अगर आप अपने हाथों पैरों की केयर इस तरह से करेंगे, देखिए तो हाथ पे भी देखते हैं आप कहीं कहीं पे ऐसे कालापन हो जाता है। मेरे हैंड पे बिल्कुल भी कालापन नहीं है, क्योंकि रेमेडी जब भी मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ कभी बच जाती तो मैं उसे हाथ पैर नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि नेक एरिया की हमारी स्किन वैसे रह जाती है और हमारा चेहरा जो है वो चमक जाता है। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक रिमूव किया है, रिजल्ट आपके सामने, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और आपको जैसा रिजल्ट मिलता है अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एमडी के साथ।